मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का अध्ययन शुरू करते हैं। इस नाटक के अध्ययन से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भूमिका को समझना होगा, जो इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी नाटक छायावादी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। यह भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल की पृष्ठभूमि को लेकर रचा गया। इसमें पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के विरुद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व, अस्मिता, अधिकार, अनुचित विवाह से मोक्ष तथा पुनर्लगन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। यहाँ समुद्रगुप्त की मृत्यु से लेकर चंद्रगुप्त के राजा बनने तक के समय के घटनाक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पात्र सूची: ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तकियां। प्रथम अंक इस प्रकार है। द्वितीय दृश्य के कुछ स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर एक, दूसरे दृश्य के आरंभ में शक दुर्ग के बगीचे में कोमा बड़े प्रेम से पौधों की देखभाल कर रही है। नंबर दो, कोमा अपने हृदय में समाये शकराज के प्रेम से पुलकित यौवन को बसंत का उत्सव मानती है और अपने मनोभाव एक गीत के रूप में व्यक्त करती है। नंबर तीन, तभी शकराज अपने ख्यालों में खोया हुआ नग्न तलवार हाथ में लिए वहां आकर टहलने लगता है, मगर कोमा को नहीं देखता। नंबर चार, शकराज के टहलने की आहट से कोमा को उसके आने का पता चलता है। नंबर पांच, जहां कोमा शकराज से अनन्य प्रेम करती है वहां शकराज उसे विलास की सहचरी मानता है और वागदत्ता कहकर फुसलाई रखता है। नंबर छह, शकराज खिंगिल के न आने से चिंतित है, अतः कोमा से मदिरा मांगता है। नंबर सात, तभी खिंगिल आकर रामगुप्त द्वारा शर्तों के मानने की सूचना देता है। नंबर आठ, शर्तों की स्वीकृति से प्रसन्न शकराज शक सामंतों के साथ अत्यधिक मदिरा और नृत्य के साथ विजय उत्सव मनाता है। नंबर नौ, रात्रि बढ़ने के साथ साथ ध्रुव स्वामिनी के लिए शकराज की बेचैनी बढ़ने लगती है। नंबर दस, तभी खिंगिल दुर्ग तोरण में शिविकाएं अर्थात पालकियां आने की सूचना देता है। नंबर ग्यारह, खिंगिल शकराज से ध्रुव स्वामिनी की एकांत में मिलने की इच्छा के विषय में बताता है। नंबर बारह, शकराज ध्रुव स्वामिनी का मजाक उड़ाते हुए उसकी इच्छा स्वीकार कर एकांत में मिलने को राजी हो जाता है। नंबर तेरह, कोमा शकराज को समझाते हुए कहती है कि आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो, और नाराज होती है। नंबर चौदह, शकराज इस दुष्कर्म को राजनैतिक प्रतिशोध कहकर टालता है। नंबर पंद्रह, शकराज कोमा के इस वार्ता के समय आचार्य मिहिर देव आ जाते हैं और वह इस दुष्कर्म को अनुचित ठहराते हैं।
नंबर 16, कामुक शकराज उनकी अवहेलना करता है तो वो जाने लगते हैं। नंबर 17, उसी समय आकाश में विचरते नील लोहित धूम केतु को देखकर अमंगल की सूचना देते हैं। नंबर 18, ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी शकराज के समक्ष असली ध्रुव स्वामिनी होने का नकली दावा कर उसे भ्रमित करते हैं। नंबर 19, तभी चंद्रगुप्त असली वेश में आकर शकराज को द्वंद युद्ध के लिए ललकारता है। नंबर 20, शकराज मारा जाता है तभी मगध सामंत किले पर अधिकार कर लेते हैं। नंबर 21, सभी ध्रुव स्वामिनी की जय हो के नारों के साथ दुर्ग में प्रवेश करते हैं और पर्दा गिरता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस दूसरे अंक के पदों की व्याख्या के द्वारा इसकी विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। पद संख्या 29, शकराज हंसकर बात उड़ाते हुए। पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है, कोमा दृढ़ता से। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? शकराज, जो विषय समझ में न आवे उस पर विवाद न करो, कोमा खिन्न होकर। मैं क्यों न करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवश करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश, हाथ में लंबा त्रिशूल, घुटने तक परिच्छद और छाती में सफेद दाढ़ी। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के दूसरे अंक से ली गई हैं। यहाँ नाटककार जयशंकर प्रसाद ने पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर नारी के अस्तित्व, अस्मिता, अधिकार और पुनर्लगन की समस्या को उठाया है। यहाँ उस घटना का वर्णन है जिसमें शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी पहुंच चुकी है और जब कोमा को इस बात का पता चलता है, वह शकराज का विरोध करती है। तब शकराज उसे बहलाते हुए कहता है कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, प्रतिशोध बदला, दृढ़ता मजबूती से, कुचले बिना, उसे अपमानित किए बिना, विवाद झगड़ा, खिन्न दुखी होकर, विवश लाचार, प्रवेश आना, परिच्छद ऐसा लंबा वस्त्र जो शरीर को ढांकने के काम आता है, ढकने के काम आता है, जो प्राय साधु लोग पहनते हैं। यहां शकराज कोमा को बहलाते हुए हंसकर कहता है कि मेरी प्यारी पगली कोमा, यह मेरा राजनीतिक प्रतिशोध है कि ध्रुव स्वामिनी को मैंने गुप्त साम्राज्य से अपना बदला लेने के लिए यहां पर बुलाया है। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य की महादेवी को मैंने यहां संधि की शर्त के अनुसार मंगाकर उन्हें अपमानित किया है, उनसे अपने पूर्वजों के हारने का बदला लिया है। तब कोमा उन्हें समझाते हुए मजबूती से कहती है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? कि जो आपका राजनीतिक प्रतिशोध है, राजनीति का बदला है, क्या उसमें एक नारी को अपमानित करना जरूरी है? क्या नारी का अपमान करके ही तुम्हारा बदला पूरा हो सकता है? बदला लेने के लिए युद्ध भूमि है, बदला लेने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन किसी नारी को अपमानित करना किसी भी राजनीतिक बदले का आधार नहीं होना चाहिए। जब कोमा उनका विरोध करती है, तब शकराज उसे कहते हैं कि
जो विषय समझ में ना आवे उस पर विवाद न करो, कि जो बात तुम समझ नहीं सकती हो उसके लिए झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो, तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि राजनीति तुम्हारे समझ का विषय नहीं है। यह राजनीति राजाओं के लिए छोड़ दो और तुम अपने कार्यों में ध्यान लगाओ। कोमा दुखी होकर कहती है, मैं क्यों ना करूं, तुम्हारी भावी पत्नी हूं, तुम्हारी भावी जीवन संगिनी हूं, तुम्हारी प्रेयसी प्रेमिका होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुमने पर नारी को अपने दुर्ग में अपने पास किस लिए बुलाया। फिर वह कुछ रुकती है, कहती है, किंतु नहीं, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने का ऐसा तुमने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया है, और यह बात अब मेरी समझ में आ गई है। फिर वह दुखी होकर नाराज होकर वहां से जाना चाहती है। शक साम्राज्य के आचार्य और कोमा का पालन करने वाले पिता मिहिर देव वहां आ जाते हैं। उनके हाथ में एक लंबा त्रिशूल है और उन्होंने घुटने तक लंबा एक चोला पहना हुआ है। उनकी छाती तक लंबी सफेद दाढ़ी है। यानी कहने का भाव यह है कि मिहिर देव की जो छवि है वो धर्म गुरु के प्रतिरूप ही है। आइए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ जब शकराज शक दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी को बुलाता है तो कोमा उसका विरोध करती है। तब शकराज उसे बहलाते हुए हंसकर कहता है कि पगली कोमा, तुम नहीं जानती हो, यह मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक बदला लेने के लिए है। वो बदला जो मेरे पूर्वज गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से हारे थे, उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैंने गुप्त साम्राज्य की महादेवी को उन्हें अपमानित करने के लिए बुलाया है, ताकि गुप्त साम्राज्य यह जान सके कि शक जाति से टकराना, उनके साथ युद्ध कर उन्हें हराना उनको कितना महंगा पड़ रहा है। तब कोमा उसी मजबूती के साथ शकराज का विरोध करते हुए कहती है, क्या राजनीति में बदला एक स्त्री के अस्तित्व को, उसके सम्मान को, उसकी अस्मिता को कुचले बिना नहीं हो सकता? अर्थात कहने का भाव यह है कि अगर आपने राजनीतिक प्रतिशोध लेना है तो वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए लें, अन्यथा और तरीकों से लें, लेकिन किसी नारी का अपमान करना किसी भी राजा के साथ बदले का आधार नहीं होना चाहिए। फिर शकराज कोमा से कहते हैं, जो विषय समझ में ना आवे उस पर विवाद ना करो, कि जो बातें तुम्हें समझ में नहीं आती उस पर तर्क वितर्क बातचीत झगड़ा मत करो, क्योंकि ये विषय तुम्हारी समझ के है ही नहीं। फिर कोमा दुखी होकर कहती है, मैं क्यों ना करूं महाराज, मैं आपकी भावी पत्नी हूं, मैं आपकी जीवन संगिनी हूं, आपको इस प्रकार अनुचित कार्य करना शोभा नहीं देता है। परंतु फिर वह अपने आप से कुछ पल रुककर कहती है, परंतु नहीं, मुझे ऐसा करने का अधिकार आपने नहीं दिया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि मैं आपको इस प्रकार पराई स्त्री का अपमान करने से रोक सकूं, शक दुर्ग में बुलाने का विरोध कर सकूं, ऐसा मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अब मैं यह बात अच्छी प्रकार से समझ गई हूं। और वह दुखी होकर परेशान होकर वहां से जाना चाहती है। तभी दूसरी ओर से शक साम्राज्य के आचार्य तथा कोमा के पालनहार पिता मिहिर देव वहां आ जाते हैं। उनके हाथ में एक लंबा त्रिशूल है, उन्होंने घुटने तक लंबा एक चोला पहना हुआ है और उनकी छाती में सफेद दाढ़ी है। भावार्थ, यहाँ नाटककार के कहने का भाव यह है कि हर स्थिति में नारी का सम्मान होना चाहिए, किसी भी बदले का आधार नारी का अपमान
कतई नहीं होना चाहिए, यह मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह है। विशेष, यहां कोमा को एक पूर्ण संस्कारी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, व्यंजना शब्द शक्ति और प्रसाद गुण है, संवादात्मक शैली तथा अनुभूति परक बिंब है। पद संख्या 30, शकरात, संभ्रम से खड़े होकर। धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ मिहिर देव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तुझको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि। शकराज, आचार्य राम गुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी, आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। प्रसंग पूर्वत, संदर्भ, यहां उस घटना का वर्णन है जिसमें ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग में पहुंच चुकी है। कोमा शकराज का इस कुकृत्य के लिए, दुष्कृत्य के लिए विरोध करती है, लेकिन शकराज उसका कहना नहीं मानते हैं और इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देकर टाल रहे हैं। तब दुखी होकर कोमा वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर से मिहिर देव प्रवेश करते हैं, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, संभ्रम से, उत्तावलेपन से, कि शकराज आचार्य मिहिर देव को देखकर बड़ा उत्तावला होकर खड़ा होता है, जल्दबाजी में खड़ा होता है और कहने लगता है धर्म पूज्य कि हे धर्म के अनुसार पूजनीय, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मिहिर देव, कल्याण हो। और मिहिर देव उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भला करे। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, और वो बड़े प्यार से अपनी पालित पुत्री कोमा के सिर पर हाथ रख देते हैं। बेटी मैं तुझको ही देखने चला आया, और कोमा से कहते हैं, बेटी मेरा मन किया मैं तुझसे मिला हूँ, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ, तू उदास क्यों है? कि तू इस प्रकार दुखी क्यों दिखाई दे रही है, परेशान क्यों दिखाई दे रही है? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि, और फिर वो शकराज को एक गहरी नजर से देखते हैं, मानो पूछ रहे हों कि मेरी बेटी कोमा की उदासी का कारण क्या है, क्या तुमने इसको कुछ कहा है? शकराज आचार्य मिहिर देव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, गुरुवर राम गुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। दर्प दलन का मतलब होता है गर्व नष्ट करना, कि गुप्त साम्राज्य के सम्राट राम गुप्त को जो अभिमान हो गया है, जो गर्व हो गया है, उसका नाश करने के लिए, उसे कुचलने के लिए मैंने उसे ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की मांग की, और संधि की शर्त के अनुसार आज ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग में राम गुप्त के भेजने पर आ चुकी है। परंतु कोमा को यह बात अच्छी नहीं लग रही है, वह इसका विरोध कर रही है। आइए बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ जब मिहिर देव शक दरबार में पहुंचते हैं तो बड़ी जल्दबाजी से, हड़बड़ाहट से शकराज खड़े होते हैं और आचार्य मिहिर देव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे धर्म के अनुसार पूजनीय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तब मिहिर देव उसे आशीष देते हुए कहते हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें, और वो अपनी पालित पुत्री कोमा के सिर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, बेटी मेरा मन किया तुम्हें देखने का, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ चला आया, परंतु मुझे तुम उदास दिखाई दे रही हो, दुखी दिखाई दे रही हो, परेशान दिखाई दे रही हो, इसका क्या कारण है? और फिर वो एक गहरी नज़र महाराज शकराज पर डालते हैं, मानो पूछ रहे हूँ कि आखिरकार मेरी बेटी की उदासी का, नाराजगी का, दुखी होने का कारण क्या है, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा? तब शकराज मिहिर देव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, गुरुवर मैंने गुप्त साम्राज्य के शासक राम गुप्त के अभिमान को भंग करने के लिए, उसके घमंड को चूर करने के लिए
उसकी महादेवी ध्रुव स्वामिनी को संधि की शर्त के अनुसार उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी, आदेश दिया था। और आज उसने संधि करते हुए महादेवी ध्रुव स्वामिनी को शक दुर्ग में भेज दिया है। लेकिन कोमा को यह बात बुरी लग रही है, वह इसका विरोध कर रही है। उसे मेरे कार्य से आपत्ति है, कष्ट है। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि आचार्य मिहिरदेव अपनी पालित पुत्री कोमा के द्वारा, भावार्थ यहाँ नाटककार के कहने का भाव यह है कि शकराज द्वारा इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी को अपने दुर्ग में बुलाना न सिर्फ कोमा को बुरा लग रहा है, बल्कि आचार्य मिहिरदेव को भी यह कार्य पसंद नहीं आया है। विशेष यहाँ शकराज की पर नारी लोलुपता यानी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने की भावना को उद्घाटित किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, प्रसाद गुण व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुभूति परक बिंब है, संवादात्मक शैली है। पद संख्या 31, मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजन। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज क्षोभ से, भावी पत्नी। प्रसंग पूर्वर संदर्भ, यहाँ उस घटना का उल्लेख है जिसमें शकराज संधि की शर्त के अनुसार ध्रुव स्वामिनी को शक दुर्ग में मंगाता है और ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग में पहुंच चुकी है। शकराज द्वारा किए गए इस दुष्कर्म का विरोध कोमा करती है और जब मिहिरदेव वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी यह कार्य कुछ पसंद नहीं आया है। अतः मिहिरदेव शकराज को समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ गंभीरता से सोच विचार करते हुए भावपूर्ण तरीकों से, आपत्ति विरोध, भयानक भयंकर, अपराध बुराई दुष्कर्म, फल परिणाम भावी पत्नी भविष्य में होने वाली पत्नी, अत्याचार शोषण, क्षोभ गुस्सा कि मिहिरदेव शकराज को समझाते हुए बड़े गंभीर शब्दों में कहते हैं कि ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए कि जो इस प्रकार के दुष्कर्म है, नारी का अपमान करने का जो तुम बुरा कार्य करने जा रहे हो, ऐसे कार्यों का विरोध अवश्य होना चाहिए। महाराज, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, कि यह तुम राजनीतिक प्रतिशोध का नाम लेकर जो नारी का अपमान करने जा रहे हो, उसके सम्मान को कुचलने जा रहे हो, यह एक अत्यंत भयंकर अपराध है। यह मानवता के प्रति तुम्हारी दुर्नीति है, बुरी विचारधारा है, और इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात जब तुम इसका परिणाम भुगतोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह तुमने कितना अनुचित कार्य किया। और भी एक बात है शकराज, कि इस प्रकार तुम जो उस नारी को अपमानित करने जा रहे हो, उसे अपने दुर्ग में बुलाया है, यह तुम्हारी भावी पत्नी कोमा के प्रति भी एक अनाचार है, दुराचार है, अत्याचार है। अर्थात यह एक उसकी मानसिक हिंसा का ही स्वरूप होगा। तब शकराज क्रोध में कहता है, भावी पत्नी, कि कोमा मेरी भावी पत्नी है, यह किसने कहा आपसे? आइए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। जब मिहिरदेव को यह पता चलता है कि शकराज ने गुप्त साम्राज्य के साथ संधि की शर्त के अनुसार महादेवी को शक दुर्ग में बुलाया है और उसे अपमानित करना चाहता है, तो मिहिरदेव भी गंभीर होकर उसे समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, ऐसे कार्यों में तो आपत्ति अवश्य होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी राजा को इस प्रकार मानवता विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज,
यह जो तुम स्त्री को अपमानित करने जा रहे हो, उसके सम्मान को नष्ट करने जा रहे हो, यह एक अत्यंत भयंकर दोष है, अपराध है। तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो कभी भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और फिर एक और बात कि तुम इस प्रकार पराई स्त्री को दुर्ग में बुला रहे हो, उसके सम्मान को कुचलना चाहते हो, यह तुम्हारा अपनी भावी पत्नी कोमा के प्रति अनाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, उसका मानसिक शोषण है जो आपको नहीं करना चाहिए। फिर शकराज क्रोध के साथ चिढ़ते हुए कहता है, भावी पत्नी, कि कोमा मेरी भावी पत्नी है, ये किसने कहा? मैंने यह बात कब कही और कब स्वीकार की? भावार्थ, यहां नाटककार के कहने का भाव यह है, कोई भी राजनीतिक कार्य मानवता विरोधी नहीं होना चाहिए, और नारी शोषण या नारी पर अत्याचार तो एक अत्यंत भयंकर कलंक है, इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। विशेष यहां पर मिहिर देव ने नारी के सम्मान करने की प्रेरणा दी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, प्रसाद गुण व्यंजना शब्द शक्ति है, संवादात्मक शैली और अनुभूति परक बिंब है। पद संख्या 32, मिहिर देव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है राजा? स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। शकराज, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। प्रसंग पूर्वक संदर्भ, यहां उस घटना का वर्णन है जिसमें शकराज संधि की शर्त के अनुसार गुप्त साम्राज्य की महादेवी ध्रुव स्वामिनी को शक दुर्ग में मंगवाता है और उसे अपमानित करना चाहता है, इसलिए कोमा उसका विरोध करती है। और जब आचार्य मिहिर देव को इस दुष्कर्म के विषय में पता चलता है तो वह भी शकराज को समझाने की कोशिश करते हैं। तो शकराज जब आचार्य शकराज से कहते हैं कि इस कार्य के द्वारा तुम अपनी भावी पत्नी के प्रति भी अत्याचार कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो शकराज उसका विरोध करते हुए कहता है, क्या कोमा मेरी भावी पत्नी? तब मिहिर देव कहते हैं, व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ। मिहिर देव, अरे क्या तुम क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? कि महाराज, क्या तुम इस पल भर की, क्षणिक माने पल भर के लिए, सफलता, सफल हो जाना, जीत जाना, प्रमत्त माने होता है पागलपन आना, दीवाना होना, बावला हो जाना, नशे में चूर हो जाना, आचार्य धर्मगुरु प्रतिपालिता के द्वारा पाली गई कुमारी कन्या, स्नेह का संबंध, प्रेम का रिश्ता स्थापित बनाया था, संदेह शक होना, स्त्रियों नारियों का स्नेह प्यार विश्वास भरोसा भंग तोड़ देना, कोमल नर्म तंतु धागा तोड़ना, तोड़ने सहज आसान, परंतु किंतु सावधान होकर, सचेत होकर, सोच समझकर, परिणाम नतीजा फल, हस्तक्षेप दखलंदाजी। यहां मिहिर देव शकराज को समझाते हुए कहते हैं, अरे क्या तुम एक क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? कि महाराज, क्या तुम ये पल भर की जो तुमने सफलता प्राप्त की है, इसके नशे में चूर होकर तुम अपनी मानवता भूल जाओगे, इंसानियत भूल जाओगे, या जो तुम्हारा सामाजिक दायित्व है, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य है, क्या वो सब भूल जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया? क्या तुमने अपने धर्म गुरु के द्वारा पाली गई
कन्या कोमा के साथ कभी प्रेम संबंध नहीं जोड़ा था? और क्या तुम्हें इस बात में भी संदेह है कि वो जिससे तुमने प्रेम संबंध जोड़ा, जो तुम्हारी प्रेमिका है, वो तुम्हारी भावी पत्नी नहीं है? क्या इस प्रकार केवल वो एक विलास की वस्तु थी, खेल की वस्तु थी, जो तुम उसकी भावनाओं से खेल रहे थे? और फिर आचार्य मिहिरदेव शकराज को सावधान करते हुए, सचेत करते हुए कहते हैं, राजा राजा संभल जाओ, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना, कि जो नारी तुम पर भरोसा करती है, तुमसे प्रेम करती है, उसके प्रेम को भंग कर देना, उसे धोखा देना, उसके भरोसे को तोड़ देना एक नाजुक धागे को तोड़ने के बराबर है। अर्थात किसी भी नारी के विश्वास को, प्रेम को सहजता से कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन इस दुष्कर्म के बाद जो उसकी भावना से आह निकलती है, जो आहें निकलती हैं, वो कितना दुखद परिणाम लेकर आती है, क्या उसके विषय में भी कभी सोचा है? अर्थात मिहिरदेव शकराज को समझाते हुए कहते हैं कि नारी का विश्वास और उसका प्रेम संबंध तोड़ना बड़ा आसान है, इसको इतना सर यह इतना सरल और सहज है मानो कोई नाजुक धागा तोड़ रहे हो। लेकिन याद रखना, ये मत भूलना कि इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। आज जो तुम कोमा के विश्वास को तोड़कर उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, निश्चित रूप से तुम्हें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बेशक कोमा किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद, कोई विरोध न करे, लेकिन इसका बदला प्रकृति तुमसे अवश्य लेकर रहेगी। तब शकराज कहता है, मैं समझता हूँ आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो, कि गुरुवर मेरा मानना यह है कि जो राजनीतिक कार्य मैं कर रहा हूँ उनके अंदर आप किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, धर्म की व्याख्या कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, राजनीतिक कार्य राजा को शोभा देता है, धर्म गुरु को इन विषयों के विषय में न सोचना चाहिए न बोलना चाहिए। भावार्थ, यहाँ नाटककार के कहने का भाव यह है, यहाँ नाटककार के कहने का भाव यह है कि जब कोई मनुष्य किसी नारी की भावना और उसके विश्वास को तोड़ता है तो निश्चित रूप से उसका विनाश निकट हो जाता है। विशेष यहाँ नारी सम्मान की प्रेरणा दी गई है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुभूति परक बिंब और संवादात्मक शैली है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।